मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरे चैनल पे प्यार भरा वेलकम। ना डालना है गरम मसाला और ना ही डालना है तेल, लेकिन ये डिश ऐसी जबरदस्त बनेगी जिसके आगे हो जाएंगे ढेर सारे स्पाइसेस वाले करी और निहारी दोनों फेल। और हाँ, इतनी आसान जिसे आप घंटों में नहीं मिनटों में बनाएंगे, वो भी बिना हुए परेशान। लेकिन फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर की। तो आइए जान लेते हैं इस रेसिपी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरे के पाए की निहारी। अगर आप एक बार गलती से खा बैठे तो फिर ढूंढेंगे बार बार इस रेसिपी को। ये मैंने लिया है यहाँ 6 पाए को, जिसे मैंने डाल दिया प्रेशर कुकर में। सबसे पहले जाएगा हमारा ये पानी। ये हमारा 600 ml वाटर है, और भी लेना है। पहले मैंने 600 ml लिया था, फिर मैंने हाफ इस कप के लिए है, ये है हमारा 300 ml। कुल मिलाकर हुए 900 ml पानी, ये चला गया इसके अंदर। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये हमने ले लिया है 2 अनियन, जिसको मैंने पहले ब्राउन कर लिया और क्रश कर दिया है। डाल देते हैं 2 tablespoon लहसुन, 2 tablespoon अदरक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून तीखे लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसे मिक्स कर लेते हैं और करते हैं कवर अप। मैंने अपने प्रेशर कुकर को फ्लेम पे रख दिया है और इंतजार करेंगे सिर्फ 3 विसल होने तक, फिर हम अपने फ्लेम को पूरा सिम कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें 3 विसल्स आ गए हैं। अब मैं करती हूँ फ्लेम को सिम और इसे लो फ्लेम में ही पकने देती हूँ आधे घंटे के लिए। अगर विसल भी होता है तो कोई परेशानी नहीं है। इससे ज़्यादा झटपट बनने वाली पाए की रेसिपी आपने नहीं देखी होगी, तो इंतज़ार करते हैं आधे घंटे तक। फ्रेंड्स, ये हमारे आधे घंटे गुजर चुके हैं और हमने इस प्रेशर कुकर को थोड़े ठंडे होने का इंतज़ार किया है। आइए देख लेते हैं इस पाए की कंडीशन क्या है, कहाँ तक ये गली है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से गल चुकी है, बोन्स मीट से अलग हो चुके हैं, तो ये तो क्लियर है सारी गल गई है। इसे और थोड़े से लिक्विड करने के लिए हमने 150 ml पानी और डाल दिया है और इसे तेज गर्म कर लेते हैं। जैसे ही ये हमारा तेज गर्म होगा, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सर्व की तैयारी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पाए के शोरबे या नहारी जो भी कहें, अच्छी तरह से तेज गर्म हो चुकी है, तैयार है। बिल्कुल बेहतरीन खुशबू आ रही है, कैसे हेजल फ्री तरीके से ये बन गई। ये देखिए, मैंने इसे डिश आउट किया है। आइए थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं। ये हमने डाला जूलियन जिंजर, स्लिट ग्रीन चिली और लास्टली हरे धनिया की पत्ती। देखिए ये हमारा पाया कितना खूबसूरत लग रहा है सज धज कर।